नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। और आज हम इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट तरह के एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे उसको करने में थोड़ी सी मुश्किल होते हैं बच्चों को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चैनल के बारे में बता दूँ, ये चैनल आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साइकोलॉजी की क्लास लगातार बरखा मैम ले रही हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब साइकोलॉजी के लिए, पैडागोजी के लिए। इसी के साथ हम KVS की NVS की तैयारी करवाते हैं। अगर आप UPTET की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ हमने एक NVS का भी टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर हम लगातार नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो आप उसको कर लेना। इसी तरह से आपके ये क्वेश्चन DSSB और इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह का जो ये क्वेश्चन होता है, पहले इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 0.3333 और ये लगातार चलता रहता है। इस यानी कि ये रिपीटिंग होता है, ठीक है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे ये रुक गया, ये यहीं पर रुक गया लेकिन आगे ये चलता ही रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कि जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, 10/3, ठीक है, 10/3 अगर करते हैं तो इसका कभी भी पॉइंट के बाद ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये होता है। अब इसको चेंज करना होता है। अब जैसे 10/3 को अगर मैं चेंज करूँगा तो ये 3.333 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वाली से 3 की, इससे अगर इसके अंदर चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये आता है। देखिए इसके अंदर सीधा सीधा कुछ नहीं है, जो आपका ये ऊपर लिखा होता है इसको ऐसे कैसे लिख लें 3, और जितने के ऊपर बार है, देखिए ध्यान से कितने नंबर हैं, कितने के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद है, वो नंबर जिनके ऊपर बार होता है उतने 9 लिखने होते हैं। कितने हैं, एक है, एक नंबर मिला है तो हमें एक लिख लिया, ठीक है। बार बार से आपको सीधा सीधा देखना है कि बार का मतलब 9/9, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 3/9। अगर 3/9 होगा और इसको और कैंसिल कर दूंगा 1/3 होगा 0 point, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आज आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ ऊपर लिख लेंगे 45। अब नीचे क्या आएगा, देखिए मैंने क्या बताया था, उतने 9 आएंगे जितनों के ऊपर बार है। कितनों के ऊपर बार है, 1, 2, यानी कि दोनों, ठीक है, 99 आ गया। समझ में आ गया। चलिए चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखिए इस तरह में, अब अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे थे वो ये था, पॉइंट के बाद में सबके ऊपर बार था। अब सबके ऊपर बार नहीं हो तो क्या होगा, मैंने बताया था जिनके ऊपर बार होगा उतने 9 आ जाएंगे। पहली बात, कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, तो एक तो 9 आएगा भाई, क्लियर है ये चीज़, तो एक 9 आएगा, बाकी को देखते हैं। अब जिस जितनों के ऊपर बार नहीं होता उतने 0 आ जाते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद की बात हो रही है। पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार नहीं होगा उतने 0 आ जाएंगे, तो कितने हैं, एक, ठीक है। अब देखिए ऊपर पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि पूरे के पूरे को जितना भी पॉइंट के बाद था वो ऐसे कैसे लिख रहे थे, तो इसके अंदर भी ऐसे कैसे लिखा जाएगा, लेकिन माइनस वो हो जाएगा जिसके ऊपर बार नहीं था, अपॉन में 1, 17/90 आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या किया है, दोबारा समझ लीजिए इस चीज़ को, इसमें हमने सिंपल सा ये किया है कि अपोन में तो वही कर दिया जितनों के ऊपर बार था, फिर ये देखा जितनों के ऊपर बार नहीं था। आपके जितने पॉइंट के बाद यहाँ जितने भी नंबर रहते हैं ना, उतने तो आपके नीचे नंबर बनेंगे, ठीक है। जैसे पॉइंट के बाद 2 थे तो यहाँ 2 तो आएंगे। अब जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लग जाएंगे, जितनों के ऊपर बार था 9 लग गए, जितनों के ऊपर बार नहीं था उसकी जगह 0 आ गया, ठीक है। अब साथ में ऊपर वाले को सेम ऐसे कैसे रख लो और माइनस कर दो जितनों के ऊपर बार, जिसके ऊपर बार नहीं है, 18-1। नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अब ये क्या है, पहले अब तो आपको ये पता होना चाहिए अपोन में क्या आएगा। अपोन में मेरे को पता है 5 डिजिट आएंगे, पहली बात तो ये है, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा 9, 9, 9। अब इनसे क्या बनेगा, 00, 20, ठीक है, ये हो गया है। अब मैंने क्या बताया था, पहले पूरे के पूरे नंबर को ऐसे कैसे लिखना है, 4, 3, 2, 1, 3। माइनस अब करना है कि जिसके ऊपर बार नहीं था, बार कितने के ऊपर नहीं है, 43 के ऊपर नहीं है, 43, ठीक है। तो अब जब इसका होगा तो आपका हो जाएगा 43170/9990, 10 से 10 कट गया, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
फिर वही ऊपर क्या आएगा, 9 आएगा। नीचे देखते हैं, नीचे 99 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो ही आएंगे। अब देखो सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि माइनस क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसके ऊपर बार ना हो। तो 9/99 आ गया है, तो क्या होगा, 1/11, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह का है। ऊपर ऐसे कैसे लिख लिया 37, अब नीचे कितने डिजिट आएंगे, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने, 1 2 3। अब कौन से आएंगे, बार वाले, बार वाले यानी 999, ठीक है। तो 37/999 आंसर आ गया इसका हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखो भाई पॉइंट से इधर वाले से हमें कुछ नहीं लेना, इसको साइड में लिख लो ऐसे कैसे, हमें सोल्व करना है इस पार्ट को। इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे, फिर वही है, कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3, तीन डिजिट आएंगे, इनमें से बार कितने हैं, दो के ऊपर है, यानी कि 2 9 और 1 0, समझ आ गया। जिसके ऊपर बार होता है उतने 9 आ जाएंगे, 2 के ऊपर था तो 2 9 9 आ गए, और 1 0 जितनों के ऊपर बार नहीं होता। फिर हमने क्या किया था, पूरे के पूरे पॉइंट के बाद जितना भी है उसको पूरे के पूरे को लिख लेते हैं, 4 3 2। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम जिसके ऊपर बार नहीं था, यानी कि 4 के ऊपर बार नहीं था, तो 4। साथ की साथ में आप भी वीडियो पॉज करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, ये वाला पार्ट सोल्व कर दिया, और ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सही, 428/990, इसको आप काट भी सकते हैं आगे, वो छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वही है, 10 को अलग ले लेंगे, 10 को तो हमने अलग ले लिया। अब क्वेश्चन करना है सोल्व, ये कितने आएंगे, 1 2 3, तीन आएंगे, यानी कि अब देखो बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर है, 1 2 बगैर बार के है, 0 आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 36, ठीक है, 36, क्योंकि पूरा का पूरा पॉइंट के बाद जितना होता है सारा लेना है, 36 - 3, तो कितना होगा, 33/900, 10 33 900। अगर इसको और काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 532/999 हो गया। चलिए अब है ये क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल है, 5 ऐसे कैसे ले लिया हमने, अब इसको सोल्व करेंगे इस पार्ट को। कितने आएंगे, 5 डिजिट आएंगे, कौन से, पहले तो यहाँ से 999 उठा लेते हैं, और यहाँ से 00। ये 00 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 00 है, ये 00 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ कोई बार नहीं है, ठीक है। 983-0 यानी कि 983/999 00, 5 सही, ये आ गया। आई होप आप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल पे साइकोलॉजी की बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, तो उसको एक बार जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा किस तरह की टीचिंग होती है, किस तरह के पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक।